लोकसभा चुनाव से पहले प्रत्याशियों का लेखा जोखा जनता के सामने आने वाला है। किस उम्मीदवार पर कितने केस दर्ज हैं, इसकी जानकारी खुद नेता जनता के सामने देंगे। नेता अपना काला चिट्ठा कब खोलेंगे ये तो पता नहीं, तो आइए उससे पहले हम ही आपको बताते हैं कि आपके किस नेता पर कितने केस दर्ज हैं। मध्य प्रदेश में पहले चरण में 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। 19 अप्रैल को सीधी, जबलपुर, छिंदवाड़ा और बालाघाट समेत 6 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जहां मैदान में उतरे कई उम्मीदवारों पर आपराधिक केस दर्ज हैं, जिनमें बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट्स शामिल हैं। सीधी के 4 उम्मीदवारों पर केस दर्ज, कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश्वर पटेल, बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर राजेश मिश्रा, सीपीआई के संजय नामदेव और निर्दलीय प्रत्याशी सुनील तिवारी। जबलपुर में राष्ट्रीय निर्माण पार्टी प्रत्याशी अशोक राणा, जीजीपी कैंडिडेट एडवोकेट उदय कुमार साहू, निर्दलीय उम्मीदवार विनय और संतोष कुशवाहा। मंडला में जीजीपी के महेश कुमार बट्टी। बालाघाट में बसपा प्रत्याशी कंकर मुंजारे, कांग्रेस प्रत्याशी सम्राट अशोक सिंह सरस्वाल, निर्दलीय नरेंद्र देव और राजकुमार नागेश्वर। छिंदवाड़ा में बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू, अहिंसा समाज पार्टी से राजेश तांत्रिक कुशवाहा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से देवी राम और निर्दलीय पवन शाह। ये वो नेता हैं जो किसी ना किसी रूप में अपराध में शामिल रहे हैं। क्राइम रिकॉर्ड पर अपने अपने नेताओं को लेकर बीजेपी कांग्रेस का क्या कुछ कहना है ये भी सुनिए। राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, आंदोलन प्रदर्शन के कारण बहुत सारे मुकदमे लगते हैं और उसके कारण उसकी वापसी के भी मामले चलते हैं, केस ख़त्म भी होते हैं, क्योंकि बहुत बड़े धाराएं नहीं होते। तो ये चूँकि निर्वाचन आयोग ने एक व्यवस्था की है ताकि हम अपना रिकॉर्ड दे सकते हैं, अपने एफिडेविट पर देते हैं कि हमारे ऊपर इतने मुकदमे चल रहे हैं, उसके कारण जनता, आम जनता को पता चलता है। कईयों के पास नहीं होते तो उनको भी अपना विज्ञापन दे करके बताना पड़ता है मेरे ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है। इसलिए मध्य प्रदेश में बहुत आपराधिक मुकदमे हों जिनके ऊपर ऐसे कम लोग होंगे, अन्य राज्यों में ज़्यादा होते हैं। नहीं, जो मामले दर्ज हैं उन्होंने तो फॉर्म भरते समय उसकी जानकारी दी है निर्वाचन आयोग को। जब जानकारी दी है और आपराधिक मामले वो कहलाते हैं जिसमें सजा हो गई है, जो मामले विचाराधीन हैं अभी वो उतने गंभीर श्रेणी में नहीं आते। नहीं, अब राजनीतिक क्षेत्र में और सार्वजनिक क्षेत्र में तो ज़्यादातर एक राजनीतिक मुकदमे होते हैं, किसी आंदोलन के दौरान, किसी सत्याग्रह के दौरान, धरने के दौरान, प्रदर्शन के दौरान, रैली में, तो ज़्यादातर ये राजनीतिक मामले हैं जो चलते हैं, लेकिन हम उनको गंभीर मानते हैं जिसमें सजा हो गई है। जनता जिसे अपना प्रतिनिधि चुनने जा रही है उसे उसके बारे में जानने का पूरा अधिकार है। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक कोई भी नेता अपने क्राइम रिकॉर्ड छिपा नहीं सकता। अब जब नेता अपने अपराध जनता के सामने रखेंगे तो जनता को अपना प्रतिनिधि चुनने में आसानी होगी। रंजना दुबे, बंसल न्यूज़, भोपाल।